हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉडल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों आज भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल लेकर के आया हूं, जो कंपनी का नाम रहने वाला एक ब्रांड नेम है ICICI। आपने नाम सुना होगा ICICI के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, ICICI लोम्बार्ड। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, सारी डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप पुरानी वीडियोस भी चेक करिए, वहां पे आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, उन पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन उस पर पूरी डिटेल आपको क्लियरली मेंशन होगी, और किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज किसी भी कैंडिडेट से नहीं लिया जाता, 100% जेन्युइन जॉब प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों जिनने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दें, चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपके थ्रू कोई और कैंडिडेट जॉब पे सेलेक्ट हो सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास वैकेंसी क्या रहने वाली है। दोस्तों यहां पर हमें चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर। तो ICICI लोम्बार्ड क्या है, ये इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एक कंपनी को चाहिए एक रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल के कैंडिडेट्स। उनका वर्क क्या रहेगा, वो जो ICICI का एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो उनको कॉल करेंगे, उनको कॉल पे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देंगे, ICICI लोम्बार्ड के बारे में उनको डिटेल वगैरह शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो हमारी मैटर करती है वो चाहिए हमें 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर कंप्लीट ग्रेजुएट हो। जी हाँ दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, 12th पास नहीं, कंप्लीट 12th पास है तो फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के होना चाहिए, ग्रेजुएशन परसुइंग में फाइनल ईयर, और या तो फिर वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ये यहां पे मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन। स्किप मत करिएगा वीडियो को, पूरी वीडियो देखिएगा, हो सकता है आपके थ्रू किसी और की भी जॉब लग जाए, आप उनको शेयर कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। बात करते हैं यहां पे सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहां पे सैलरी कंपनी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर रही है, 25,000 से लेके 31,000 तक यहां पे कंपनी की सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स हैं, जो अब आपकी ब्रांड नेम है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होगा ही, 20 लाख, अप टू 20 लाख तक का इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है अपने इंप्लॉइज को। उसके अलावा इंसेंटिव पार्ट है, ईयरली जो बोनस होता है कंपनी की तरफ से वो है, दिवाली बोनस है, तो इस ये सारी चीजें इंक्लूड रहती है, तो एक सैलरी जो है ना वो अट्रैक्टिव सैलरी में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ रहे हो जहां पे आपका अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, और आप जब अपने रिज्यूम को लेके किसी अदर कंपनी में जाओगे तो वहां से भी आपके लास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वो आप एक्सप्लेन जब करोगे तो कंपनी पे भी उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि इनका जॉब टाइमिंग क्या रहने वाला है। दोस्तों मंडे टू सैटरडे जॉब रहने वाली है, संडे आपका यहाँ पे फिक्स्ड ऑफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, फिक्स्ड ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे ऑफिस टाइमिंग वाली जॉब है, 9 to 6, 10 to 7 जो आपका जॉब टाइम है, इंक्लूडिंग ब्रेक, टी ब्रेक्स वगैरह जो सब रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। दोस्तों अगर आप ICICI में आपने किसी में भी कंपनी में आपने इंश्योरेंस बैकग्राउंड में काम किया हुआ है तो यहां पर आपके 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। आपने 6 मंथ का एक्सपीरियंस किसी भी इंश्योरेंस फील्ड में कर रखा है तो वहां पे आप एलिजिबल हो। दोस्तों ये पोजीशन हमारे पास लिमिटेड है, केवल 50 कैंडिडेट्स की हमारे पास डिमांड है, 50 कैंडिडेट्स की डिमांड है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें जिनको जनरली इसी लाइन का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात करें, अगर एक्सपीरियंस आपको अदर फील्ड का है, किसी अदर प्रोफाइल में आपने काम किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वॉइस का होना चाहिए, वॉइस प्रोसेस का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आपने किसी ऐसी प्रोसेस में काम किया हुआ हो तो कम से कम जो आपका एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का होना चाहिए। अब बात करते हैं ये एक्सपीरियंस कैसे काउंट होंगे, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, सैलरी स्लिप्स वगैरह ये सब। अब देखो कंपनी अगर MNC है, बड़ी कंपनी है, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से ही दिखाना पड़ेगा। अगर आप केवल विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप एक्सपीरियंस शो करोगे तो वो एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता बड़ी कंपनीज के अंदर, छोटी कंपनीज में चल जाता है जहां पे कोई नहीं नोटिस करता है एक्सपीरियंस को, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो तो नोट एक्सपीरियंस लेटर का ध्यान रखें। बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन वाइज यहाँ पे क्या चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे
एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी रिक्वायर्ड है। तो आपके जो भी ऐसे फ्रेंड हैं जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम हर टाइप की जॉब ट्राई करते हैं कि आप लोगों के लिए लेकर के आए, लेकिन मोस्टली हमारे पास वो जॉब्स रहती है जिनमें बल्क हायरिंग रहती है, जो हमारी जल्दी क्लोज नहीं हो रही है या जिनमें बहुत सारे नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं या कंपनी को बहुत ज्यादा डिमांड है, वो हम सबसे पहले यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, हमारी टीम के नंबर दिए हुए हैं। अगर आपकी एक्सीलेंट इंग्लिश है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, टीम को कॉल कर सकते हो, वो आपका इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करवा देंगे। ये थी दोस्तों हमारी आज की वैकेंसी, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आपके थ्रू हो सकता है किसी और की जॉब लग जाए। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।